हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस गवर्नमेंट जॉब के सफ़र में। जो लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और लगने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी अभिषेक गुप्ता। और ये कोर्स क्या है? समरी ऑफ क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी। नाउ लेट्स बिगेन। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड लेसन, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। फर्स्ट पार्ट अपना हो चुका है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नाउ लेट्स बिगिन। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ कितना है? 360 डिग्री। अपन इसको क्या कंसिडर करते हैं अपने अर्थ को? स्पेयर। वैसे ही स्पेयर नहीं है, आपको इसका मैंने सही टर्म बताया था फर्स्ट चैप्टर में, इसके फर्स्ट पार्ट में। क्या है? जियोइड शेप है इसका वैसे। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ का अर्थ कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। और 1 डिग्री में डैश लगा कितना होता है? 60 मिनट। ओके फ्रेंड्स, अभी आप ये अंडरस्टैंड करो, बाद में मैं आपको सभी क्लियर करता हूँ। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 मिनट 60 मिनट के लिए, मिनट के लिए कौन सा सैम्बल आता है? 1 डैश, और सेकेंड के लिए डबल डैश। ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज लोकल टाइम? लोकल टाइम जानने से पहले अपन जानते हैं, देखो अर्थ कंप्लीट वन स्पिन रोटेशन इन 24 आवर्स। अपन जानते हैं इसको, 24 आवर्स मतलब 360 डिग्री कवर करता है। ओके फ्रेंड्स, तो 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर करता है, तो 1 आवर में कितनी डिग्री कवर करता है? 15 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, नाउ 60 मिनट इक्वल टू 50 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/4 डिग्री। दैट इज 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, 1 मिनट इक्वल टू 1/4 डिग्री, डेट इज 1 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट कंप्लीट करता है। 1 मिनट में कितनी डिग्री कंप्लीट करता है? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट कंप्लीट करता है। नाउ अर्थ रोटेट्स फ्रॉम बेस्ट टू ईस्ट। फ्रेंड्स ये याद रखना, अभी आगे काम में आएगा। क्या? अर्थ रोटेट क्या करता है? फ्रॉम बेस्ट टू ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, लोकल टाइम कैसे डिसाइड करते हैं? शैडो कास्ट बाय द सन, और ये शैडो कास्ट बाय द सन शॉर्टेस्ट एट नून व्हेन सन ओवरहेड होता है। जब सन ओवर होता है, ओवरहेड होता है अपने सब शॉर्टेस्ट एट नून में, तब तो अपन लोकल टाइम डिसाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बैन दी पीएम, पीएम मींस प्राइम मेरिडियन, बैन दी प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। 0 डिग्री है जी सन एट हाईएस्ट पोजीशन इन दी स्काई। ओके फ्रेंड्स, ऑल प्लेसेस लोकेट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूड विल हैव दी सेम टाइम दैट इज नून। फ्रेंड्स क्या है, ऐसे ये प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पे सन ओवर हेड है, तो जितने भी इस पे बीच में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड हैं जितने भी, तो सभी का टाइम जोन क्या होगा? एक ही होगा। एक मेरिडियन पे टाइम जोन एक ही होता है, तो प्राइम मेरिडियन 0 है। 0 पर जो भी लॉन्गिट्यूड प्लेसेस आएंगे इस पे, सभी का टाइम क्या होगा? एक ही होगा। ओके फ्रेंड्स, एवरी प्लेस ऑन दी सेम मेरिडियन विल हैव दी सेम टाइम। नाउ अर्थ रोटेट कैसे करता है? बेस्ट टू ईस्ट आपको बताया मैंने। ओके फ्रेंड्स, नाउ प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। जैसे कि ये प्राइम मेरिडियन है। ओके फ्रेंड्स, इसके प्लेसेस अहेड यानी ईस्ट में होंगे, उनका टाइम जोन ज़्यादा होगा, और जो बेस्ट में होंगे उनका टाइम कम होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसे इंडिया का लोकल टाइम कुछ अलग है। ओके फ्रेंड्स, सभी जगह का अपना अपना लोकल टाइम होता है। बस स्टैंडर्ड टाइम कैसे बनाया जाता है? प्राइम मेरिडियन के थ्रू। ऐसे ये प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री पे है, इसी डिग्री से सभी के टाइम जोन डिसाइड किए गए हैं, अलग अलग टाइम जोन अलग अलग डिग्री पे। ओके फ्रेंड्स, लोकल टाइम डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लार्जर एरिया मोर देन वन लोकल टाइम माइट बी नीडेड। ऐसे अपने इंडिया में एक ही टाइम जोन चलता है, तो सभी जगह एक ही टाइम होता है, पर रसिया में अलग टाइम जोन्स हैं। रसिया बहुत बड़ा है तो वहाँ पे अलग टाइम जोन्स हैं, अमेरिका बहुत बड़ा है तो वहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। ओके फ्रेंड्स, टू फॉलो यूनिफॉर्म टाइम थ्रू आउट कंट्री और रीजन बेस्ड ऑन सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री रीजन और द मेरिडियन ऑन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इज लोकेटेड। ऐसे इंडिया की, गुजरात की टाइम जोन अलग है और
अरुणाचल प्रदेश की अलग है, पर अपन ने सेंट्रल लिए, सेंट्रल की मेरिडियन लिए क्यों, जिससे इंडिया का टाइम अलग अलग हो ना हो और दिक्कत ना हो, इसीलिए सेंट्रल मेरिडियन ज़्यादातर लेते हैं, जिससे टाइम जोन सेट रहे। ओके, स्टैंडर्ड टाइम मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री, अपन ने पहले देखा था 15 डिग्री में 1 आवर कंप्लीट होता है, एंड 7.5 डिग्री में कितना होगा, हाफ एन आवर, तो कोई प्रॉब्लम ना हो टाइम और टाइम जोन में, इसलिए 7.5 डिग्री लेते हैं, हाफ डिग्री हाफ आवर कवर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ अर्थ पर कितनी टाइम जोन्स हैं, 24 टाइम जोन्स, 1 आवर ईच। ओके फ्रेंड्स, ईच जोन पे 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, आपको बताया था अभी, 15 डिग्री कितना कवर करता है, 1 आवर को, तभी तो 7.5 आवर लेते हैं, 7.5 डिग्री हाफ ओवर को कंप्लीट करने के लिए। लार्ज कंट्रीज में क्या है, लार्ज लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है, तो मोर देन 1 टाइम जोन है, जैसे कि रसिया, इसमें 11 टाइम जोन है। ओके फ्रेंड्स, और यूएस हेयर कितना है, 4 टाइम जोन्स। नाउ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कि कहाँ है, वो सॉरी बेस्ट, जो कहाँ है, सॉरी 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 फ्रेंड्स, 68 डिग्री 7 डैश ईस्ट ही रहेगा, क्योंकि अपन अहेड ऑफ ग्रीनविच हैं, ईस्ट की जोन में है ना, तो सारी जो यहाँ के टाइम पीरियड है सारे ईस्ट में ही डिग्री देखी जाएगी, और प्राइम मेरिडियन के बिहाइंड जो पहले रहते हैं बेस्ट साइड, वो सारे बेस्ट में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, सेंट्रल मेरिडियन लिए अपन ने, जैसे मैंने आपको बताया था हर सिटी अपनी अपनी सेंट्रल मेरिडियन लेती है, तो कितना हुआ, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अपने इंडिया में सेंट्रल मेरिडियन क्या है, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट ऑफ ग्रीनविच है, इसलिए दोनों में ईस्ट आया था डिग्री में, और ये 5.5 घंटे 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, दैट इज अगर वहाँ पे नून है जीएमटी में, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में, तो यहाँ पे 5:30 PM इन इंडिया हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, आपको बताया था 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में अपना इंडिया लोकेट है, तो अपन ने इसका सेंट्रल मेरिडियन लिया, दैट इज 82 एंड हाफ डिग्री। ओके फ्रेंड्स, इसी मेरिडियन से अपने इंडिया का टाइम जोन डिसाइड होता है। नाउ द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। पहले फ्रेंड्स अपन को ये याद रखना है, क्या अर्थ कैसे मूव होता है, बेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट टू ईस्ट, नाउ 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन है, 180 डिग्री पे आइडियल है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके फ्रेंड्स, इट इज इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये इंटरनेशनली एग्रीड है, 180 डिग्री मेरिडियन पे लोकेट है, सम डेविएशन से, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, ऐसे जिग जैग करके है, जिससे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ये बेस्ट टू ईस्ट है, गेनिंग ऑफ डे बाय क्रॉसिंग आइडियल, जब अपन आइडियल बेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन से क्रॉस करते हैं तो गेनिंग ऑफ डे होता है, और ईस्ट टू बेस्ट करते हैं तो लूजिंग ऑफ अ डे होता है आइडियल को क्रॉस करने पर। ओके फ्रेंड्स, इट्स इन मिडिल ऑफ टाइम जोन, ये टाइम जोन के मिडिल में होती है, चेंज ऑन द कैलेंडर डेट, नो चेंज इन क्लॉक एंड टाइम, टाइम में चेंज नहीं होता, डे में गेनिंग होता है, अगर अपन बेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं तो गेनिंग ऑफ अ डे होता है, और ईस्ट टू बेस्ट आते हैं तो लूजिंग ऑफ अ डे होता है वाइल क्रॉसिंग आइडियल। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स इन मिडिल ऑफ टाइम जोन्स। ओके फ्रेंड्स, मिडिल में होती है टाइम जोन, चेंज ऑन दी कैलेंडर डेट, कैलेंडर डेट में चेंज होता है, टाइम में चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन क्लॉक एंड टाइम। फ्रेंड्स, ये डायग्राम सबसे पहले आप राउंड समझिए, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गया, ये 180 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री बेस्ट, ये दोनों लाइनें सेम हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है, अपन अर्थ कैसे मूव करता है, बेस्ट टू ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो 12 टाइम जोन इधर हो गई, 12 टाइम जोन इधर हो गई, तो अगर यहाँ पे 1 PM हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 PM 1 AM होगा, और
और यहाँ मंडे है तो यहाँ ट्यूसडे होगा, डेट इज गेनिंग ऑफ अ डे। बाई क्रॉसिंग आइडियल वी गेनिंग ऑफ अ डे, और यहाँ फर्स्ट जैन है तो यहाँ सेकेंड जैन होगी। और अगर अपन बिहाइंड जाते हैं, ईस्ट या ईस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ओके फ्रेंड, इस साइड, तो क्या होता है, यहाँ पर भी 12 जाए टाइम जोन है, पर इस साइड जाते हैं वेस्ट डायरेक्शन में तो 1 AM टाइम तो उतना ही होता है, पर यहाँ मंडे होगा और यहाँ फर्स्ट जैन होगा। दैट इज अगर आप आइडियल क्रॉस करते हैं तो गेनिंग ऑफ अ डे होता है, और वापस आते हैं तो यहाँ क्या होता है, 1 AM मंडे ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, 1 जैन। तो आइडियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स, क्या है, वाइल क्रॉसिंग आइडियल दैट इज गेनिंग ऑफ अ डे, और ये कैसे चलता है, वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं अपन, तब क्या होता है, गेनिंग ऑफ अ डे होता है, और ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं तो लूजिंग अ डे। ये 0 डिग्री पे अपन 180 ईस्ट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ट्यूसडे गेनिंग ऑफ अ डे होगा, टाइम में कोई चेंज नहीं होता, 12 टाइम जाना, 12 आवर बढ़ गया, 1 PM था यहाँ पे, यहाँ 1 AM हो गया, यहाँ मंडे था, यहाँ ट्यूसडे हो गया, मतलब डे में डिफरेंस हुआ, यहाँ फर्स्ट जैन था, सेकेंड जैन हो गया, पर टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ, 12 टाइम जोन थे, 12 भर गया। लेटली अपन सिंपल कॉन्सेप्ट में क्या है, यहाँ 12 AM हुआ है, तो अगर आप 12 टाइम जोन क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, 1 AM ही तो होगा, 1 ऐसे यहाँ 1 PM है, नून से डिसाइड करते हैं ना, तो यहाँ क्या है, 1 PM है। ओके फ्रेंड्स, तो 180 डिग्री अपन जब क्रॉस करेंगे, 12 टाइम जोन क्रॉस करेंगे तो 12 आवर्स बढ़ेगा, तो नेक्स्ट डे आ गया ना, 1 PM था यहाँ तो वहाँ 1 AM आ गया, यहाँ मंडे था तो यहाँ ट्यूसडे आ गया। ओके फ्रेंड्स, टाइम तो उतना ही लगा, 12 टाइम जोन से 12 टाइम इंटू हो गया है ना, 12+ हो गया टाइम, बट यहाँ फर्स्ट जैन था, यहाँ सेकेंड जैन हो गया, और वापस अपन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ वही है, टाइम जोन तो 12 AM ही है, पर रहेगा मंडे ही, क्योंकि ये पहले चल रहा है और ये बाद में चल रहा है, बात को समझिए फ्रेंड्स, यहाँ 12 टाइम जोन आगे हो रहे हैं तो एक डे बढ़ गया, यहाँ तो वही है ना, टाइम जोन तो वही रहेगा, तो टाइम में तो डिफरेंस आएगा पर मंडे ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये है इंटरनेशनल डेडलाइन, मैंने आपको बताया था ये जिगजैग में है, स्ट्रेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि तो अगर इन्होंने ये क्रॉस किया तो ये सोचें वहाँ के लोग बोले यहाँ तो ट्यूसडे है, और ये बोले नहीं हमारे यहाँ तो मंडे है, इसलिए इसको थोड़ा जिगजैग में बनाया गया है, ये इंटरनेशनली एग्रीड है जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड्स, और ये 2 डिग्री 180 के बीच में हाफ में बनाया गया है, 7.5 में, इससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ये प्राइम मेरिडियन हो गया। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप इसको राउंड समझिए, राउंड बॉडी, तब तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट और यहाँ का कॉन्सेप्ट सेम है। ओके फ्रेंड्स, ये राउंड बॉडी है, ये प्राइम मेरिडियन हो गया, वाइल इस तरफ जाते हैं तो गेनिंग ऑफ डे, इस तरफ जाते हैं तो बियॉन्ड डिके। ओके फ्रेंड्स, अपना इंडिया कहता है 5:30 आवर्स अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन, मतलब यहाँ से अपन 5.5 घंटे आगे चलते हैं, क्योंकि अपन ईस्ट ईस्ट की साइड है और ये बेस्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ उससे टाइम जोन कम रहता है, तो प्राइम मेरिडियन से अपन 5.5 घंटे आगे रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो, अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कोर्स पूरा लेसन देखने के लिए, बाय बाय।